अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 24/7 उर्दू न्यूज़ पर मैं हूँ एजाज़ अहमद। इससे पहले हमने आपके साथ एक इंतहाई अहम खबर शेयर की थी और ख़बर थी कोरोना वैक्सीन के हवाले से कि पाकिस्तान में इसके बाज़ाब्ता तौर पर ट्रायल हुए हैं और इसके मज़ीद ट्रायल भी होंगे। इसी हवाले से एक और अहम डेवलपमेंट हुई है, हम आपको इस हवाले से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो बढ़ते हैं ख़बर की जानिब, और ख़बर यह है कि आज वफाकी काबीना के इजलास में 17 निकात पे है वो बातचीत हुई है, और उसमें एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से जो उसकी कीमत है उसका तय किया गया है। इसकी कीमत कितनी रखी गई है ये भी आगे चल के हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक बुरी खबर ये है कि वफाकी काबीना ने एमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली 94 अद्वियात की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दी है। ये 94 वो अद्वियात हैं जो इंसानी जान बचाने के हवाले से इस्तेमाल होते हैं, तो ये बहुत ही बुनियादी नौइयत की एक अद्वियात होती हैं जो हर इंसान को जिसकी ज़रूरत होती है, गरीब को भी ज़रूरत होती है, अमीर को भी ज़रूरत होती है, तो उनकी कीमतों में इजाफे की काबीना ने मंजूरी दी है। तो ये एक बुरी खबर है, और साथ ही इसी इजलास में काबीना ने जो कोरोना वैक्सीन है उसकी कीमत भी मुकर्रर की है। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी ने भी इस बात की तस्दीक की है, और वफाकी वज़ीर इत्तला'आत शिबली फराज़ ने इजलास के बाद ब्रीफिंग के दौरान भी इस बात की तस्दीक की है कि कोरोना वैक्सीन की जो कीमत है वो 8,400 रुपये मुकर्रर की गई है। तो ये बज़ाहर ज़्यादा कीमत है बल्कि बहुत ज़्यादा है। आम आदमी की इस्तात अगर देखें इस वक्त मुल्क में जो महंगाई की सूरत हाल है और गरीब पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है, उसकी इस्तात से बहुत बढ़कर कीमत रखी गई है। बहरहाल काबीना ने इसकी मंजूरी दी है, अब देखना है कि आवाम की तरफ से इसके कीमत के ऊपर क्या रिएक्शन आता है और इस रिएक्शन के बाद क्या हुकूमत इसकी कीमत मज़ीद कम करने के हवाले से कोई इकदाम उठाती है या इसी तरह इसकी कीमत इतनी ही रहेगी।